हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद, आप देख रहे हैं हेल्पफुल लव्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे बहुत से व्यूवर मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर, तत्काल टिकट के एजेंट का जो टाइम होता है वो अलग क्यों होता है, जबकि पर्सनल यूज़र्स जो होते हैं IRCTC के, वो सुबह 10 बजे बुक करते हैं और 11 बजे बुक करते हैं, जबकि जो एजेंट्स होते हैं, जो ऑथराइज एजेंट होते हैं, उनका टाइम 10:15 बजे सुबह होता है और 11:15 बजे से स्टार्ट होता है तत्काल टिकट। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, अगर इसके बारे में आपको नहीं जानकारी है तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और कुछ नई जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्यार भर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको तत्काल टिकट एजेंट्स का टाइम क्यों अलग होता है और पर्सनल यूज़र्स का क्यों अलग होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एजेंट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ऑथराइज एजेंट की बात कर रहा हूँ, रेलवे के जो ऑथराइज एजेंट हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनका जो टाइम होता है वो 10:15 बजे होता है तत्काल टिकट का और सुबह 11:15 बजे होता है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो पर्सनल यूज़र्स होते हैं वो जब तत्काल टिकट बुक करते हैं, वहाँ पर जब पेमेंट करते हैं, तो उनको पेमेंट करने के लिए बहुत से ऑप्शन मिलते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई वैलेट, इस तरह के आप जानते हैं बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं उनको पेमेंट करने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से तत्काल टिकट में कुछ डिफ़िकल्टी हो जाती है पर्सनल यूज़र्स के लिए। पहले वो सारी डिटेल फिल करेगा, उसके बाद जाएगा पेमेंट वाले ऑप्शन पर, अक्सर पेमेंट फेल भी हो जाता है, तो इस वजह से तत्काल टिकट नहीं बुक हो पाता है। अब दोस्तों, मैं एजेंट्स लोग की बात कर लेता हूँ, जो ऑथराइज एजेंट होते हैं उनका टाइम अलग क्यों कर दिया गया है। दोस्तों, काफ़ी पहले आपको पता होगा तत्काल टिकट का बिल्कुल एक ही टाइम होता था, एजेंट्स भी उसी टाइम बुक करते थे, लेकिन उसमें एजेंट्स का फ़ायदा हो जाता था। एजेंट्स का क्या फ़ायदा होता था मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप ऑथराइज एजेंट हैं IRCTC के, तो आप किसी थर्ड पर्सन से टिकट बुक कर रहे होते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी से टिकट बुक कर रहे होते हैं, जैसे कि आप पेवर्ड यूज़ कर रहे हैं या पे पॉइंट यूज़ कर रहे हैं या रिया ट्रेवल का पोर्टल लिए हैं, तो वो पोर्टल के ऊपर आपको पहले से बैलेंस रखना पड़ता है। अब जो भी आप रेलवे के टिकट बुक करेंगे तो उसमें से बैलेंस कट जाता है। अब दोस्तों, तत्काल के टिकट के टाइम होता क्या था, जब तत्काल टिकट एजेंट्स बुक करते थे तो नाम फिल करते थे, बैलेंस तो उनके वैलेट में होता ही था पहले, तो वहाँ पर ना कोई OTP आता था, ना कोई कैप्चा आता था, डायरेक्ट उनका तत्काल टिकट बुक हो जाता था। उससे एजेंट्स लोगों का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता था, वो आराम से तत्काल टिकट बुक कर लेते थे। दोस्तों, इसीलिए एजेंट्स का टाइम अलग कर दिया गया है और नॉर्मल यूज़र्स का टाइम अलग कर दिया गया है। अब मैं बात कर लेता हूँ उन दलालों की जो तत्काल टिकट सॉफ्टवेयर से बुक करते हैं। दोस्तों, जो दलाल होते हैं, एजेंट होते हैं, वो तत्काल टिकट सॉफ्टवेयर से बुक करते हैं, वो भी पर्सनल यूज़र से ही बुक करते हैं, यानी कि पर्सनल ID से ही बुक करते हैं। दोस्तों, वो एक साथ 10-10, 15-15 ID लगाते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर और ऑटोमेटिक तत्काल टिकट बुक हो जाता है। दोस्तों, इसके अंदर बदनाम होते हैं ऑथराइज एजेंट रेलवे के। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, ये भी कमेंट बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।